सतनाम धन वाहिगुरु साहिब जीओ तेंडी बंदिश में कोई न डठा तू नानक मन पाना कोल कुमाई ते सुमित्र विचोले जय मिल कंत पछाणा जे तू डठा कृपा निदान ना दूजा विखाल एहा पाई मूं दातड़ी नित हृदय रखा समाल धन वाहिगुरु साहिब जी हर आप अमुलक है मुल न पाया जाए मुल न पाया जाए किसै विट हो रहे लोक विल लाए ऐसा सतगुर जे मिलै तिसनो सिर सौंपिए विचों आप जाए जिस दा जियो तिस मिल रहै हर बसै मन आए हर आप अमुलक है भाग तिन्ना के नानका जिन हर पलै पाए हर आप अमुलक है भाग तिन्ना के नानका जिन हर पलै पाए चवर छत्र तख्त दे मालक तन तन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान सत संगी प्यार वाले विटपागे हो सतगुरु पातशाह दे चरणा विच बैठ करके अमृतमई बाणी दे नाल आप जी जुड़े हो सतगुरु साहिब पातशाह जी धन गुरु अमरदास महाराज की उचारण की पावन बाणी आनंद साहिब जी की 30 नंबर पौड़ी का पाठ आपने सरवण किया है। आओ प्यारे इस पावन शब्द की विचार आरंभ करन तो पहला गुरु बख्शी फतेह नाल सांझ पाईए देहो असीस प्यार नाल आखो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। सुभाविक है कि जिहड़ी चीज फ्री मिले ना मुफ्त मिले उहदी बहुती कदर नहीं होया करदी। जिहड़ी चीज बंदे ने आप मेहनत नाल बनाई होवे जां खरीदी होवे ना उहनूं सांभ सांभ रखदा है। दूसरी विचार यह है कि अगले पासे चीज किन्नी को कीमती है। जे अगले पासे चीज कीमती है वह भी सांभ के रखी जाएगी। मन लो किसी कोई सोने का गहना है ना, हुण भावें उस बंदे नूं फ्री भी मिल गया हो पर रखेगा सांभ क्योंकि वह खुद कीमती है। कुछ चीजां मेहनत नाल मुलवान होंदियां ने, कुछ मुलवान होण करके कदरवान होंदियां ने। ते सतगुरु दी बाणी इह चीज समझाउंदी है जिहड़ियां चीजां मुलवान है उहनां दी कदर बेअंत पैंदी है ते उहनां दी कीमत भी ज्यादा होंदी है। जिहड़ी चीज की बंदे नूं समझ आ जाए भी ये चीज मुलवान है कीमत बेअंत ज्यादा आ उस बंदे उस चीज नूं छुपा के रखिया जाता है किसी की नज़र ना पै जाए कोई चोर चुरा ना लवे कोई उचक्का ना आ जाए ऐसी सोच बंदा रखता है। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह की पावन पवित्र गुरबाणी एक चीज बड़ी सोहनी समझाउंदे ने
कि हे दुनिया के लोगो, जे दुनिया के पदार्थ महंगे हो सकते ने, कीमती हो सकते ने, कि परमात्मा का नाम कीमती नहीं है। जे सतगुर की बाणी पढ़ो तो महाराज ने आख्या साई नाम अमोल, रब का नाम बड़ा कीमती है। जिदा ना कीमती है वो आप किन्ना कीमती होएगा। मन लोग सुटगी विचार समझण वास्ते कुछ बंदे ने, कुछ अहुदेदार होंगे, कुछ अफसर होंगे ने, जिन्ना दे सिग्नेचर, जिन्ना दे साइन बड़े महंगे होंगे। किसी बंदे ने फाइल साइन करवानी होवे ना, कई बार बंदे नू बड़ी बड़ी कीमत चुकानी पै जांदी है कुछ साइन करवाउण वास्ते, क्योंकि उस बंदे नू जिन्ने कीमत देनी है उन्नू इस गल का एहसास है कि वह बंदा इदा साइन नहीं करेगा। तो साइन करन वाला कहिंदा मेरे साइना की कीमत है। चलो भावें कि इस चीज़ नू गलत वे नाल भी आप समझते हैं कि यह चीज़ रिश्वत विच भी आउंदी है, पर वो बंदा ये चीज़ नू समझदा है कि मेरे साइना दे विच, मेरी कलम दे विच, मेरे नाम दे विच हुण इन्नी को ताकत है। बंदा अपनी कलम दा, अपने नाम दा मुल खट लेंदा है, मुल पा लेंदा है कि मैं इन्ने हजार रुपया लैना फिर साइन करना है। एक बंदे दा नाम मुलवान हो गया है, पर जिन्ना चिर अहुदे ते है उन्ना चिर तक उहदा नाम मुलवान है। जो अहुदे तो खत्म हो जाएगा, असल विच उस दे अहुदे दा सत्कार है, उस विच उहदे अहुदे दे मिले हुए कलम दा उहदा मुल है। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह नूं पुछो, महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे ने दुनियादारी दे लोक तां चार पंज साल, कुछ सालां तक, कुछ समय दी हद तक अपने नाम नूं मुलवान बना सकते होणगे, पर परमात्मा दा नाम ते सदा ही मुलवान है, सदा ही कीमती है। उहदे नाम नूं इह नहीं भी 10 साल, 20 साल, 1 सदी हो जाएगी जां 2 सदियां तक उहदा नाम कीमती रहेगा। गुरु साहिब कहिंदे नहीं, जिन्ना चिर संसार रहेगा उहदा नाम कीमती रहना है। साई नाम अमोल, कीम ना कोई जान दो, जिन्ना भाग मथा से नानक हर रंग मान दो। जिन्ना दे भाग मथे दे चंगे बनते ने उन्हां ने सतगुरु परमेश्वर दे नाम प्राप्त किया है। हर आप अमुलक है, मुल ना पाया जाए। वो मेरा मालक वाहिगुरु ऐसा जिहड़ा आप भी अमुलक है, मुल ना पाया जाए। उहदा किसे तरीके दे नाल भी मुल नहीं पाया जा सकता। सब आप बचन पढ़ते पावन बाणी विचों, सुन वड्डा आखे सब कोए, सुन के सारे रब नूं वड्डा वड्डा आखदे ने। केवड वड्डा कहिंदे किड्डा को वड्डा, कहिंदा डीठा होए, कहिंदे वेख्या पता लगेगा। केवड वड्डा डीठा होए, ते कहिंदे जिन्ना ने वेख्या उन्हां दी अपनी जबानी आ कीमत पाए ना कहिया जाए। ना उहदी जिहड़ा शब्द विच आया ना, ना ना शब्द जिहड़ा आया इह दिली दीपक है। दिली दीपक हुंदा जिहड़ा दोवां पासे अर्थ करदा होवे। मर कहिंदे ने कीमत पाए ना कहिया जाए, ना उहदी कीमत पै सकदी, ना उह कहिया जा सकदा पूर्ण तौर ते। कीमत पाए ना कहिया जाए, कहने वाले तेरे रहे समाए, जिहड़े तेनू कहण वाले ने, तेरे गुण गाउण वाले तेरे विच समा गए ने, वो कहण जोगे रहे ही नहीं, बयान करन जोगे रहे नहीं। ऐसा नाम रतन निर्मोलक पुन पदार्थ पाया, अनक जतन कर हिरदे राख्या, तनन छपे छपाया हर गुण। सतगुरु पातशाह ने एक बाणी दे वचन किया आ, पातशाह कहते कोई इस गल नूं बयान करे कि रब का नाम किड्डा को कीमती, किन्ना को आनंदमई है। हर गुण कहते कहन न जाई, जैसे गूंगे की मठियाई। जिवें कोई गूंगे नूं मठियाई खवा के आखे दा स्वाद की है इहदा। कीमत पाए ना कहिया जाए, कहने वाले तेरे रहे समाए, वड्डे मेरे साहिबा गैर गंभीरा गुणी गहीरा, कोई ना जाणै तेरा कीता केवड चीरा। चीरा दा अर्थ हुंदा है माप,
मिणती करना, कोई भी मिणती नहीं कर सकया, तेरा मापदंड कोई ला नहीं सकया, कोई ना जाना तेरा किता केवट चीरा। फिर नाल गया किन्ने सन सब सुरती, सुरत लाउण वाले सब सुरती मिल मिल के सुरत कमाई, सुरत सुरत की कमाई की इन्होंने, सब कीमत मिल कीमत पाई सारे मिल के, जे कीमत भी पौनी चाहिए सब कीमत मिल कीमत पाई। कहिंदे जे सारे कठे हो भी जाण, जे सब मिल कै आखण पाहे, जिन्ने संसार दे उत्ते धर्मी बंदे रब दा नां लै रहे ने, लैण वाले जिहड़े पहलां वी सी हुण वी ने, जे सारे इक थां कठे कर ले जाण, जे सब मिल कै आखण पाहे, जे सारे मिल के रब नूं वड्डा वड्डा आखण लग पैण। कहिंदे वड्डा ना होवे घाट ना जाए, उन्हों वड्डा वड्डा कहन उन्हें वड्डे नहीं हो जाना, ते कोई नाम ही आखे तो उन्हें घट नहीं जाना। वड्डा ना हो वह घाट ना जाए। कहिंदे मालक तेरियां वड्याईयां ने, तू एडा मुलवान है, हर आप अमुलक है, अमुल गुण अमुल वपार, अमुल वपारिये अमुल भंडार। तेरे नाम दे व्यापारी भी अमुल हो गए ने, वह भी नहीं विकण वाले, वह भी कीम बेशुमार कीमती हो गए। जिन्ना मालक जी तेरे नाम नूं त्याया है, वह विकदे नहीं, वह खुद कीमतवान हो गए। साहबजादियां सामने किन्ने लालच ने, तुहानूं ऐशो आराम दे हर सुख सहूलत दे दियांगे, साडी गल मन लो, पर अमुल पिता दे अमुल पुत्र ने, विकण वालियां विचों नहीं सीगे। जमीरां जागदियां ने, सतगुर दे परोसाया अकाल पुरख दी वडियाई गाउण वाले ने, क्योंकि खुद अमुल गुण अमुल वपार, अमुल वपारी अमुल भंडार वाले दाते दे प्यारे पुत्र ने। सतगुरु पातशाह ने यह चीज सानू समझाई है, बाणी दा एक एक अखर खजाना बेशुमार कीमती है। रतन लाल जाका कशु ना मोल, रतन लाल भी इहदा मुल नहीं पा सकदे। रघबीर सिंह बीर दी किताब है रमजी कहानियां, बड़ी प्यारी किताब है। उन्हें एक चक उदाहरण दिया बड़ी प्यारी, कहते खोजी बंदा सी खोज करन वाला, बड़ी दूर तक खोज करदा सी, खोज करदियां करदियां उन्हें अपने नगर की हालत वेखी, मेरा नगर बड़ा गरीब है, मेरे नगर की दशा बड़ी माड़ी है, मैं अपने नगर नूं अमीर करना चाहुंना, मुलवान करना चाहुंना आ, इहदी सुंदरता वधाउणा चाहुंना आ, इहदे वास्ते कुछ ना कुछ प्रबंध करां। कहिंदे खोज करन तुर पिया, बड़ी दूर तक विचरिया, ते इक उहनूं ऐसा पहाड़ मिलिया जिहड़ा पहाड़ हीरे जवाहरात दी खान सी, बड़ा तगड़ा भरिया ही पिया सी सारा पहाड़। उन्हें आख्या मैं एडा आसमान नूं छूंदा होया, एडा रतना दा पहाड़ मैनूं मिल गया, मैं किन्ने चुक के लैके जावांगा, मैं इंज करदा इस पहाड़ दा इस खजाने दा एक नक्शा तैयार कर दिना, एक मैप तैयार कर दिना, ते अपने नगर वासियां नूं दे दिना वा, भी मैं आप जाके तुहानूं किन्ने को लिया के दे सकदा, तुसीं आपे जाके लै आयो, तुसी आपे जाके जिन्ना जिन्ना जिन्नू जिन्नू चाहिदा लै आयो। वह कहिंदा भी उन्होंने एक नक्शा तैयार करके तो वह नगर वासियां नूं दे आया, तो वह आप किसी होर खोज अंदर चला जांदा सीगा। उन्हें नगर वासियां नूं जाण तों पहला कहा भी एक बड़ा प्यारा खजाना, जे तुसी इस नूं वाचियो समझियो सांभ के रखियो अदब सत्कार पूरा रखियो, भी तां कि यह खजाना होरां दे भी गांह काम आ सके, ये नक्शा सारी दुनिया नूं पता लग सके, तो होर भी इसका लाहा लै लैण। वह इंसान चला जांदा है, कई सालां बाद वापस गुजरिया, वापस नगर आया, तो की वेखदा है, उन्हें अंदाजा अंदाजन इस गल का ख्याल बनाया कि नगर बड़ा सोहना बन गया होएगा, आलीशान माहौल होएगा, कोई गरीब नहीं होएगा, कोई दुखी नहीं होएगा, कोई गरीब नहीं होएगा, मुश्किल च कोई नहीं होएगा, सब सुखी सुखी होणगे। जदों आया तू पहलां नालों भी गरीब है, वो पहला नालों भी माड़ी हालत, बड़ा हैरान होया।
जिन्ना आदमियां नूं वो नक्शा दे के गया उन्हां नूं जा के मिलदा है ते वो गल करदा है भी मैं तुहानूं कुछ नक्शा दे के गया सीगा तुसीं कित्थे रख्या है। वो कहिंदा जी आ सामने वेखो एक बड़ा सोहना असीं उहदे वास्ते प्रबंध कीता होया रख्या होया धूफ तखाई दी है सवेरे शाम उहदी आरती उतार दई दी है सारा नगर इकट्ठा हो के उसकी सेवा कर दिंदा है उसनूं मत्था टेक जांदा चले जांदा है। उन्हें मथे ते हाथ मार के गया मूर्ख लोगो काश तुसी खजाना किते नक्शा किते खोल के वेख लेंदे तुहानूं खजाना मिल जांदा। मैं तुहानूं इसनूं पढ़न वास्ते समझण वास्ते आख्या सी तां कि तुहानूं खजाना मिल जाए। ये भाई रघुवीर सिंह वीर होना ने इन्नी को कहानी का जिहड़ा तत् कढ़िया बड़े कमाल का। वो कहिंदा दुनियादारी दे लोगो खास कर कहिंदे ओ गुरसिखो तुहानूं गुरु नानक सतगुरु की बाणी जिहड़ी है ये परमात्मा दे घर दा नक्शा आ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੀ ਕਾਮਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਹੀ ਟੇਕ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਵਾਚਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਣਵਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ ਗੁਣਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁਣਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਹੀ ਅਮੁੱਲਕ ਉਹਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਭੰਡਾਰ ਹੀ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਮੀ ਤੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਕੁਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਬੜਾ ਮੁੱਲਵਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੁੱਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਕੋਈ ਬਸਤਰ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਕੋਈ ਰਕਾਬ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤਰਸਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾ ਦਿਆਂ ਪਰ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਮਿਲ ਜਾਏ ਸਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਮੁੱਲਵਾਨ ਹੈ ਬੇਅੰਤ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ ਖੁਦ ਆਪ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਤ ਅਮੁੱਲਵਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀਓ ਹਰ ਆਪ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ ਹਰ ਆਪ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਆਪ ਏਡਾ ਮੁੱਲਵਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਲਵਾਨ ਹੈ। ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਿਆਰਾ ਕੀਤਾ ਆ ਬੜੀਆਂ ਮੁੱਲਵਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁੱਲਵਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੀਵੈ ਸੀਤਲ ਜਲਾ ਸੁਖਦਾਈ ਪਵਨ ਪਾਵਕ ਅਮੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਸੁਖਦਾਈ ਪਵਨ ਹਵਾ ਪਾਵਕ ਅੱਗ ਅਮੁੱਲਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਆਪ ਮੁੱਲਵਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਲਵਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂਟੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਵਾਧੂ ਸਮਝ ਲੈਣੇ ਪਰ ਪਾਰਖੂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਬੂਟੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਸ ਜੀਵ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿਸ ਰੋਗ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਕਿਸ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਮੁੱਲਵਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਆਪ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਵਿੱਟੋਂ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਵਿੱਟੋਂ ਵਿੱਟੋਂ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਹੈ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਤਾਂ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵੱਡੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਆਪ ਮੁੱਲਵਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ
खुद मुलवान हो गया। गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह बारे जिक्र करते हैं। एक बचन होर कहना कहिंदे ने ऐसा सतगुर जे मिले तिस नूं सिर सौंपीए। जिहड़ा गुरु जिस गुरु का कोई मुल नहीं पाया जा सकता, मुल पाउण वाले खुद विल ला रहे ने, खप रहे ते खप के चले गए ने संसार तों। वह खप खप के मर गए ने पर परमात्मा का मालक का मूल नहीं पा सके, उसका अंत नहीं जान सके। सतगुरु पातशाह कहते जे गुरु परमात्मा का राह विखाउण वाला गुरु मिल जाए, ऐसा सतगुर जे मिले तिस नूं सिर सौंपीए, उन्हूं अपना सिर अर्पण कर दिया, भेटा अर्पण कर दिया। गुरु अंगद देव साहब महाराज का अज गुरता गद्दी दिवस है। बिल्कुल ये चीज आप स्पष्ट तौर पर जो वेखीए ना, जी अज के पावन शब्द में भी ऐसा सतगुर जे मिले तिस नूं सिर सौंपीए। जिदा सिर भाई लहना जी ने अर्पण किया गुरु नानक साहब नूं, सानू कदे करना आ जाए। 1532 का वह समा जदों गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह नूं मिलण दा मन बनाया। वैसे 1517 विच वी गुरु नानक साहब खडूर साहब गए सी, मेल उदों वी गुरु नानक साहब नाल भाई लहना जी दा होया सी, अपनी भूआ दे नाल बीबी भराई जी दे नाल। पर उदों आप देवी दे पुजारियां विचों प्रमुख मन्ने जांदे सीगे, उदों गुरु नानक नूं गुरु नानक ही नहीं सी मन्नदे, क्योंकि अपने आप में ही एडा गुमान सी कि मैं बड़ा वड्डा पुजारी हाँ देवी का। 1517 च गुरु नानक साहब नाल मेल खडूर साहब होया सीगा, पर उदों गुरु नानक नूं गुरु नानक जान के नहीं नमस्कार कीती, ना गुरु नानक जान के कदी सतगुर दे नेड़े होए। हाँ माता भराई बीबी भराई जरूर गुरु नानक साहब महाराज का सत्कार करते, महाराज नूं सजदा करते, पर आप पिछे खड़ोते रहे, कहते मैं नहीं मत्था टेकना, मैं देवी का पुजारी हाँ। 1517 च पर जिवें जिवें भाई जोध कोलों सतगुरु नानक की वडियाई सुनी, सुखां कोलों सुनी, 1532 दे विच मन ख्याल बनाया एक बार नानक नूं मिलना है। उस लंबे समय दौरान देवियां नूं देवी की पूजा कई साल 21 साल लगातार देवी की पूजा की है, जो मन नूं सुकून सिदक कितों नहीं मिलिया वो लभ रहे ने, भाल रहे ने, लभदियां भालदियां वैष्णो देवी तो वापस आउंदिया अपने जथे नूं कहा तुसीं चले जाओ, मैं करतारपुर किसे नूं मिल के आउणा। करतारपुर नूं घोड़ी हिक लई है, तोर लई है उधर नूं। करतारपुर दे रस्ते दे विच बजुर्ग रस्ता साफ करदा है, घा साफ कर रहा है, पुछदा है भाई लहना जी पुछदे भी मैं धर्मशाला जाना जी करतारपुर बनी है। बजुर्ग आखन लगा भी मैं भी तो उत्थे जाना आ, चल तैनू लै चलदा। भाई लहना जी घोड़ी ते चढ़े ने, ते बजुर्गां ने वह घोड़ी की लगाम पकड़ ली है, ते धर्मशाला लै तुरे ने। ते धर्मशाला होर सतसंगी मनुख रहिंदे सन, तां बजुर्गां ने आख्या भी घोड़ी उस रुख ना बन दिओ, तुसीं इशनान पानी करना कर लो, जल पानी छकना छक लो। सामने धर्मशाला दे गुरु का लंगर चलदा, छकना छक के तुसीं सामने धर्मशाला विच बैठ जाओ, उत्थे तुहानूं गुरु नानक साहब मिल जाणगे। जिस वेले भाई लहना जी उहनां ने पंड शनाना करन तों बाद प्रसाद पानी छकिया ना, छक के धर्मशाला च दर्शन करन गए गुरु नानक साहब दे, जो अंदर गए तो दंग रह गए ने, को दम हैरान हो गए ने। पता लगा भी जेड़ा बजुर्ग मेरी घोड़ी की लगाम पकड़ के लियाया आ उही गुरु नानक है। ते गुरु नानक साहब ने दीदार करके ते महाराज के चरणा जेड़ा सजदा किया ना भाई लहना जी उन्होंने, वह सजदा ऐसा होया गुरु नानक साहब के चरणा विच। एक वार जो सिर रख दिता है ना, फिर क्या महाराज सच्चे पातशाह जी आया ते पुन करन सी पाप कर बैठा, मैं पछाणिया ही नहीं तुहानू। सतगुरु सच्चे पातशाह जी मेथों गुनाह हो गया है, मेथों खता हो गई है, बख्श देना करो। गरीब नवाज सतगुरु कहते ना तेरा की है, कहता जी लैना आ। महाराज ने कोई गल नहीं, लैन वाले घोड़िया ते आउंदे आउंदे आ
ਘਬਰਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਜਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 21 ਸਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 21 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਭਾਈ ਲੈਣੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। 21 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈਣਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੀਤਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਵੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਲੋਕ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਲਾਮ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੱਢੋ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੂੜੀਆਂ, ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੂੜੀਆਂ ਥਾਏ ਨਾ ਕਾਈ ਪਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਸਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ। ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਸੌਂਪੀਏ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਸੌਂਪ ਦਈਏ ਅਰਪਣ ਕਰਦਿਆਂ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਹੁਣਾ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਕੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਹੈ। 8 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ, 8 ਸਾਲ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵੈਸੇ 8 ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਈ ਦੱਸਦੇ ਵੀ 8 ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਰਖੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈਆਂ, ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਭਾਵਕ ਇੱਕ ਟਕਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ। 2-4 ਸਿੱਖ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟਕਾ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਆ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਟਕਾ ਹੀ ਐਸੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਟਕਾ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ 4-5 ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਟਕਾ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਦੇਖੋ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਸੌਂਪਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਲੈਣ ਇਹਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੈਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਕੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਲੈਣੇ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਕੋਈ ਸੌਂਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦਿਓ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਭਾਵੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਪਾ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈ ਨਾਨਵੇਂ ਸੋ ਸਿਰ ਕੀਜੈ ਕਾਏ। ਉਹ ਸਿਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਹੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੰਨੇ ਹੇਠ ਜਲਾਈਐ ਬਾਲਣ ਸੰਧੇ ਠਾਏ, ਹਾਂਡੀ ਹੇਠਾਂ ਡਾਹ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕੇ, ਅੱਗ ਚ ਡਾਹ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਣ ਚ ਡਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ ਬਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਸਿਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਆਗਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣੀ, 7 ਵਚਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ
मीह वरदा सी मनेर दा समा सी भाई लैना होना उस वेले उसदों ही गारा लाउणा शुरू करता है कंध नूं गारा लाउणा भावें रुड़दा जांदा सी बारिश तेज करके पर एक बार नहीं क्या महाराज बनदी नहीं है महाराज पानी ना तेज मीह तेज ते गारा रुड़दा जांदा है। गुरु नानक साहब जदों उठे ते भाई मरदाना जी नूं धर्मशाला दी कंध दे उत्ते लेप लाउंदिआं देखिआ ते गुरु नानक पातशाह कहिंदे कंध बणी नहीं वो कहिंदे सतगुरु साहब जी मैं कौन हुंदा कंधां बनाउण वाला गुरु साहब तुहाडी कृपा होवे ते सारियां कंधां खड़ियां हो सकदियां ने इमारत सोहणी बन सकदी है। असल च गुरु नानक महाराज ने एक रमज़ पाई सी जिहड़ी भाई लैणा समझ सकिया महाराज नूं कंधां दी जरूरत थोड़ा सी कि कंधां ही जरूरी चाहीदियां भी हुणे कंध बनाउणी है एक सिदक दी कंध बनाउणी सी एक हुक्म मनण वाली कंध तैयार करनी सी जिहड़ी भाई लैणा जी तैयार कर चुके सी महाराज पुछे कंध बणी नहीं उहने इहनूं कहा महाराज बण गई है बना देंगा उहने कहा महाराज तुहाडी कृपा चाहीदी ते बण जाएगी हुक्म मनण वाला सिदक रखण वाली कंध ये गरीब नवाज धन गुरु नानक साहब महाराज के कोल सिखिया पाई ऐसा सतगुर जे मिले तिस नूं सिर सौंपी है हस्ती सिर जो अंकश है आहरण जो सिर दे मन तन आगे राख कै उबी सेव करे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज एक बार अचानक ही अपनी मौज में आए ते लंगर वालू महाराज ने जिथे लंगर बनता उधर गेड़ा मार लिया अचानक गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जिधर भाई नंद लाल जी का लंगर तैयार होंदा सी जिधर वो सेवा करदे जदों गए ना गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी भाई नंद लाल जी हुणा ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं आउंदिआं वेख लिया ते आटा गुणदे पए सीगे भाई नंद लाल ते महाराज नूं नेड़े आउंदिआं देखिआ ते हुण कहिंदे भी हत्थ भी आटे नाल लिबड़े ने धरती ते लावांगा ते मिट्टी नाल लिबड़ जाणे आ ते फिर मुड़ के परात च किवें पावांगा नेड़े आए सतगुरु साहब महाराज नूं आउंदिआं देखिआ ते भाई नंद लाल हुणा ने दोनों ही हत्थ पिछे पिठ ते रख के ते सिजदा कीता गोडे जमीन नूं ला के ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज बड़े खुश होए कहन लगे भाई नंद लाल अज किवें सिजदा कीता कहिंदा महाराज आटे नाल हत्थ लिबड़े सीगे पर मैं भी सोचा मेरा मालक आ रिहा मालक अगे दा सीस भेटा ही करना है ना हत्थ थोड़ा भेटा करना है भेटा दा सीस करना है ना ते मेरा सिर तुहाडे अगे हाजिर है। गरीब नवाज सच्चे पातशाह कहिंदे गरीब नवाज धन गुरु गोबिंद सिंह सतगुरु कहिंदे जैसा सजदा तू कीता है ना अज तेरा ये सिर सौंपिया भी तेरा ये सजदा कीता भी प्रवान है क्योंकि भावना बड़ी प्यारी है अदब बड़ा है गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह दा भाई नंद लाल दे हिरदे दे विच गुरु गोबिंद सिंह सतगुरु पातशाह ने बड़ा प्यार लाड लड़ाया है। इसे तरह ये बाणी की मिसाल है भी बाणी ये गल कहती भी ऐसा सतगुर जे मिले तिस नूं सिर सौंपीए विचों आप जाए सिर सौंपण तो भाव है विचों होमे मुक जाए जिस दा जियो तिस मिल रहे जिदा दिता होया जियो है जिंद है ओहदे विच मिलिया रवे सिर सौंपण तो भाव है कि अपनी होमे मुक गई मैं कुछ भी नहीं हाँ मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा मेरा तो कुछ है ही नहीं गा। जे गुरु नानक साहब महाराज के चरणा च भाई लैणे कहा महाराज मेरा तो कुछ भी मेरा अपना नहीं गा मैं भी अपने आप च मैं अपना नहीं हाँ तुहाडा ही हाँ सौंप दिता है गुरु नानक पातशाह नूं अपना आप सौंप दिता होया मेरा तो कुछ है ही नहीं गा ते गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने जदों ये भावना देखी ना फिर सतगुरु नानक ने वड्याया बड़ा बड़ी वड्डी बख्शिश दे के गुरता गद्दी दात दे करके धन गुरु नानक साहब महाराज ने खडूर करतारपुर साहब तो खडूर साहब भेज दिता है दिता छोड़ करतारपुर बैठ खडूरे जोत जगाई फिर वसाया फिर वाण
सतगुर खडूर एक गल बड़ी प्यारी है। खडूर साहब पहला भी वसदा सी पर जिहड़ा सत्ता बलवंड होना जिक्र किया ना वह बड़े कमाल के कुछ अर्थ रखता है मायने रखा। खडूर पहला भी वसदा सी पर खडूर कला खडूर करके सी साहब खडूर करके नहीं सीगा खडूर साहब करके नहीं सीगा। पर जो गुरु अंगद देव साहब महाराज आके उत्थे गुरु नानक की सिक्खी की बात पाउंदे ने गुरु नानक की बाणी का सिद्धांत प्रगट करदे ने ना असल विच खडूर दे वासी लोगां नूं उदण जाके जीण दा पता लगा उदण असल च नगर वसिया। पहला तो वह भी जोगियां दे तंत्रियां तांत्रकां दे मगर लगे हुए सी सारे हरी राम तपे वर्गियां ने जोगियां वर्गियां ने जिन्हां ने सारे नगर वासियां नूं आस पास दे पिंडां नूं भरमाया होया सीगा वह लोग मगर लगे सी उहनां दे पर फिर वसाया फेरुआन अर्थ भाई फेरू दे पुत्र ने फेरू दे गुरु ना अंगद देव साहब दे पिता जी दे नाम है भाई फेरू जी फिर वसाया फेरुआन सतगुर खडूर सतगुरु साहब ने आ खडूर नूं फिर वसा दिया है जिहड़ा वहमा भरमा जोगियां दे राहां कल के उजड़ चुका सी महाराज ने फिर दोबारा वसेबा करता उन्हां दा ऐसा सतगुर मिल जे मिले तिस नूं सिर सौंपीए विचों आप जाए जिस दा जियो तिस मिल रहे हर वसे मन आए जिहदा जियो है उहदे अगे अर्पण कर दित्ता है ते उहदे हिरदे अंदर हरी वाहिगुरु परमात्मा आप आके वस जांदा है। भट्टां ने गुरु अंगद देव साहब दे बारे मैं संखेप जिक्र करा एक सवैया बड़ा आपां रोज सरवण करदे आं बड़े कमाल दे उहदे अर्थ ने अमे दृष्ट शुभ करे कहिंदे गुरु अंगद देव साहब की वडियाई यह है कि जदों अमृतमई नजर नाल एक वारी किसे नूं वेख लैंदे ने अमे दृष्ट अमे मने अमृतमई अमे दृष्ट शुभ करे हरे अग पाप सकल मल हरे दा अर्थ हिर लेना हिर मैने खत्म करना उहदे पाप मैल औगण गुनाह खत्म करके रख दिंदे ने जिहनूं एक वारी वेख लैंदे ने गुरु अंगद देव साहिब अमे दृष्ट शुभ करे हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबै बल जिहड़ियां बुराइयां ने उहदे अंदर खरूद मचाया है वह गुरु अंगद देव साहब एक बारी जिहनूं वेख लैंदे ने उह सारियां बुराइयां बंदे दे वस विच हो जांदियां ने सारे ऐब सारे वकार हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करै सबै बल सदा सुख मन वसै दुख संसारां खोवै गुर नव निध दरियाओ जन्म हम कालख धोवै। कौन कह रहा है कि गुरु अंगद देव साहिब दर्शन करके जन्मा मरना दी कालख मुक जांदी है कौन कहिंदे सो कहो टल गुर सेवी है टल भट्ट जी का नाम जिन्ह ने सवैया उचारिया सो कहो टल ओ टल जी ओ भट्ट टल जी कह रहे ने गुर सेवी है। ऐसे गुरु अंगद देव साहिब नूं जदों याद करिए ते होवेगा कि कहिंदे दर्शन परसे ऐ परसीए नहीं परसे ऐ गुरु के जन्म मरण दुख जाए गुरु दे दर्शन परसन करन नाल जन्मा मरना दे दुख गुरु अंगद देव साहिब दर्शन करके मुक जांदे ये महाराज की वडियाई बयान की है उन्होंने। सतगुरु पातशाह कहिंदे ने जिस दा जियो तिस मिल रहे हर वसै मन आए जिदा जियो है उस गुरु विच मिल जांदा है वह परमात्मा उहदी हिरदे च आ के वस जांदा है हर आप अमुलक है भाग तिन्हां के नानका जिन हर पल्ले पाए वह आप भी मुलवान हो गए उन्हां दे भाग चंगे हो गए जिन्हां ने हरी दे पल्ले नूं पकड़ लिया जिहड़े गुरु नाल लग गए ने जिहड़े गुरु नाल जुड़ चुके ने। पातशाह कहिंदे ने हर आप अमुलक है भाग तिन्हां के नानका जिन हर पल्ले पाए जिहड़े हरी वाहिगुरु दे पल्ले नाल जुड़ गए ने ओह मुलवान हो गए ने भाग चंगे उन्हां दे बन गए गुर चरण लागे दिन सुभागे अपना पिर जापे। गुरु पातशाह ने कृपा कीती 30 नंबर पौड़ी दी विचार करदे आं फुल्लां दी खिमा बुलाओ फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।